डेरिवेटिव इज रेट ऑफ चेंज ऑफ ए क्वांटिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल, दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये इंस्टेंटेनियस होता है, तात्कालिक, इंस्टेंटेनियस, कि जैसे वाई है, वाई इज इक्वल टू 2x + 3, वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड वाई इज डिपेंडेंट ऑन एक्स. तो इफ वी चेंज, लेट अस पुट हेयर एक्स इज इक्वल टू 1, देन वी पुट एक्स इज इक्वल टू 1.1, एक्स इज इक्वल टू 1.2, एक्स इज इक्वल टू 1.234. तो यानी एक्स में यदि कुछ चेंज किया जाए तो व्हाट विल बी द रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑन एक्स. तो एक्स के साथ साथ वाई में कितना चेंज होगा. तो एक तरह से ये डेरिवेटिव इस चीज को जो है वो ये कैलकुलेट करने के काम आता है, क्योंकि रेट ऑफ चेंज जो है, सो मैनी क्वांटिटीज आर देयर इन आवर डेली लाइफ वेयर रेट ऑफ चेंज इज इन्वॉल्व. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी टॉक ऑफ वेलोसिटी, जब हम गति की बात करते हैं फिजिक्स में, तो दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जो दूरी है या विस्थापन जिसको बोलेंगे, विस्थापन का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि टाइम के साथ उस कितने उसमें रेट ऑफ चेंज है, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी. तो इसी प्रकार जो है वो बहुत ऐसे वेरिएबल्स हैं, बहुत ऐसी क्वांटिटीज हैं जहां डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व होता है. तो डेरिवेटिव रिटन एज, जैसे अभी हमने फंक्शन लिया था वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, देन इट्स डेरिवेटिव विल बी रिटन एज डी वाई बाई डी एक्स और वाई डैश और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, वाई डैश भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, वाई वन मीन्स भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. तो कोई सी भी नोटेशन हम यूज करते रहे या पीछे भी और अब भी करेंगे. और सबसे पहले जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, ये 11th में था, जो फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी 5.2, उसमें दो तरह के फंक्शंस जो है इन्वॉल्व हैं, एक तो एल्जेब्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव और सेकंड है ट्रिग्नोमेट्रिक. जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो जो और अदर टाइप ऑफ फंक्शन हैं, जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, तो उनके डेरिवेटिव्स फिर डिस्कस करेंगे. 5.2 में ये दो ही फंक्शन के जो है वो क्वेश्चन जो है वो बेस्ड हैं उसमें. तो डेरिवेटिव बाई फर्स्ट प्रिंसिपल जो हमने 11th में किया था, और जो डायरेक्ट जो है वो डेफिनेशन से आता है, जैसे लेट y इज इक्वल टू एक्स स्केयर, तो व्हाट विल बी द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्केयर विद डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज इन x. तो क्या करेंगे हम कि लेट और डेल्टा x बी स्मॉल इंक्रीमेंट इन x, सो दैट डेल्टा y इज द कोरस्पोंडिंग इंक्रीमेंट इन y एंड दिस विल बिकम y प्लस डेल्टा y एंड सो ऑन. तो ये एक लेंथी, यदि पूरा स्टेप वाइज आप करना चाहें तो ये कर सकते हैं. चलिए लिख लेते हैं कि लेट डेल्टा एक्स बी ए स्मॉल इंक्रीमेंट इन एक्स एंड डेल्टा वाई बी कोरस्पोंडिंग इंक्रीमेंट इन या चेंज इन वाई. दिस मीन्स When x is changed x to plus delta x, y is changed to y plus delta y, or x changed to x plus delta x. क्या हुआ कि x में थोड़ा सा हमने इंक्रीज कर दिया मामूली डेल्टा x, then y will also increase or change. तो let new y is y plus delta y, then what is change, कितना change हुआ, subtracting
वाई वन फ्रॉम टू, ये पहले था वाई की वैल्यू, अब वाई की वैल्यू इतनी ये हुई, तो कितना चेंज आया, डेल्टा वाई इज इक्वल टू, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दें, एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्केयर में से एक्स स्केयर सब्ट्रैक्ट कर दें, और यदि एक देखें तो हम ये आएगा डेल्टा एक्स स्केयर टू एक्स डेल्टा एक्स माइनस एक्स स्केयर कैंसल्स, वी गेट डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा एक्स स्केयर प्लस टू एक्स इंटू डेल्टा एक्स, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय रेट ऑफ चेंज इन एक्स, यानी डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स से डिवाइड करके बोथ साइड, एंड लिमिट डेल्टा एक्स गोज टू जीरो, तो ये डेरिवेटिव जो है वो कहलाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स व्हेन चेंज इन एक्स इज वेरी स्मॉल, इंस्टेंटेनियस चेंज, तो इसे हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड डेरिवेटिव डी वाई वाई डी एक्स, एंड इट इज इक्वल टू, तो लिमिट आप इधर भी ले लेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स गोज टू जीरो, लिमिट डेल्टा एक्स गोज टू जीरो, तो इधर ये डेल्टा एक्स बचेगा, एक कैंसिल होगी, और इधर एक डेल्टा एक्स तो कैंसिल ही हो जाएगा, इधर हमारा टू एक्स बचेगा, और डेल्टा एक्स गोज टू जीरो लेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, अभी हम इसकी लिमिट लेनी थी, लिमिट डेल्टा एक्स गोज टू जीरो, तो ये बचेगा आपका टू एक्स, यानी कि डी वाई वाई डी एक्स इज इक्वल टू टू एक्स, और आप करके देख सकते हैं कि यदि एक्स क्यूब हो तो डेरिवेटिव विल बी थ्री एक्स स्क्वायर, यदि एक्स फोर हो एक्स फोर तो डेरिवेटिव विल बी फोर एक्स क्यूब, सेम वे से, तो यहां से क्या कंक्लूजन निकल के आता है, यहां से ये कंक्लूजन हुआ फाइनल हमारा कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू ए पावर एन, किसी फंक्शन की पावर यदि एन है, जैसे यहां एक्स क्यूब है एक्स स्क्वायर था, तो इट विल बी ऑलवेज इक्वल टू एन इंटू एक्स रेज टू ए पावर एन माइनस वन, जो पावर है वो आगे आ जाएगी और एक पावर जो है वो कम हो जाएगी, ये पहला जो है वो इलेवंथ में हम कर चुके हैं, तो ये हमने रिवाइज किया है, रिमाइंड किया है कि एल्जेब्रिक फंक्शन का जो डेरिवेटिव है इस तरह से लिया जाएगा, एक ध्यान हम रखेंगे कि जो फॉर्मूला है वो सिर्फ एक्स रेज टू पावर एन के लिए है, और यदि यहाँ पर एक्स की जगह कोई और फंक्शन हो तो फिर ये कंप्लीट फॉर्मूला बन जाएगा आपका इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स, यदि कंप्लीट की बात करें कि हर जगह ये काम करे कि डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन रेज टू ए पावर एन विल बी इक्वल टू एन इंटू दैट फंक्शन रेज टू ए पावर एन माइनस वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स, तो डेरिवेटिव ऑफ जो भी फंक्शन है इसका डेरिवेटिव फिर ले लें, इसको चेन रूल भी बोल सकते हैं आप, तो इस तरह से ये चेन चलती रहेगी, कब तक, जब तक लास्ट में डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन ना आ जाए तब तक इस तरह से ये चेन चलेगी, तो हम ये कंप्लीट ही लिखेंगे, तो ये तो हुआ एल्जेब्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव, सेम वे से आप, तो ये हमने डेफिनेशन से निकाल के दिखाया है, अब हम प्लस टू में डेफिनेशन के क्वेश्चंस कम है, तो ये फार्मूले से सीधा जो इंडक्शन है जो फार्मूले हैं हम डेरिवेटिव उन्हीं से आगे बढ़ाएंगे, अब कोई और फंक्शन ले लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री का, लेट वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव लेना है, तो क्या होगा यदि सेम वे अभी करें कि लेट वाई इंक्रीजेज टू डेल्ट वाई प्लस डेल्टा वाई व्हेन एक्स चेंज टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, लिख सकते हैं हम कि लेट डेल्टा एक्स बी ए स्मॉल इंक्रीमेंट इन एक्स एंड कोरस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट इन वाई इज डेल्टा वाई, दैट इज वाई बिकम्स वाई प्लस डेल्टा वाई व्हेन एक्स इज चेंज टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, सब्ट्रैक्ट करेंगे, हाँ व्हाट इज द चेंज, चेंज विल बी डेल्टा वाई, वाई सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इधर क्या होगा साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन एक्स, और फिर अभी जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था तो दोनों और हम डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देते हैं, तो इधर भी साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, एंड देन लिमिट डेल्टा एक्स गोज टू जीरो, कि चेंज इन एक्स इज वेरी स्मॉल ओनली देन इट विल बी कॉल्ड डेरिवेटिव, तो ये जो चीज है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स व्हेन डेल्टा एक्स गोज टू जीरो इट विल बी कॉल्ड, और इट इज कॉल्ड डी वाई बाई
डी एक्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक लिमिट का सवाल है, लिमिट तो ये आप कैलकुलेट करें कि लाइवथ में लिमिट कैलकुलेट करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। यहाँ भी जैसे सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि डेल्टा एक्स को जीरो पुट कर देते हैं, जो भी लिमिटिंग वैल्यू होती है उसको रख देते हैं उसमें, यदि वो आ जाए तो। अब यदि हम डेल्टा एक्स को जीरो पुट करें तो ये साइन एक्स माइनस साइन एक्स बचेगा जीरो, एंड डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, जीरो बाई जीरो इंडिटरमिनेट फॉर्म है। तो क्या किया जाए, इसकी फॉर्म को चेंज कर लेते हैं, कैसे, साइन सी माइनस साइन डी लगा देते हैं, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू और साइन सी माइनस डी बाई टू और डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, एंड इट विल बी इक्वल टू टू कॉस, ये बनेगा आपका एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाई टू और ये बनेगा एक्स कैंसिल हो जाएगा डेल्टा एक्स बाई टू और इधर लिमिट हमें लेनी है डेल्टा एक्स गोज टू जीरो, लिमिट डेल्टा एक्स गोज टू जीरो, तो डिवाइडेड बाई ये वाला डेल्टा एक्स। तो ये लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट करें तो डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो है, तो यदि हम डेल्टा जीरो बाई जीरो बनता है तो, लेकिन इसमें तो ये स्टैंडर्ड लिमिट बन सकती है, कैसे, लिमिट डेल्टा एक्स गोज टू जीरो टू कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाई टू ये तीनों सेम होने चाहिए, तो ये डेल्टा एक्स बाई टू है साइन के साथ, तो इसको भी हम डेल्टा एक्स बाई टू कर लेते हैं, और इफ डेल्टा एक्स गोज टू जीरो देन डेल्टा एक्स बाई टू विल आल्सो गो टू जीरो, तो सेम है। तो ये चीज आपकी हो जाएगी वन, टू हो जाएगा कैंसल, और ये डेल्टा एक्स बाई टू हो जाएगा जीरो, तो वी विल गेट कोस एक्स, मीन्स साइन एक्स डेरिवेटिव विल बी कोस एक्स। ये इलेवेंथ में किया था, थोड़ा सा आपको ये रिमाइंड करवाया है कि इस तरह से आप छः के छः जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आपके उनके डेरिवेटिव्स आप ले सकते हैं, तो हम उनके डायरेक्ट लिखेंगे और वो क्या क्या होंगे। तो सेकेंड है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के डेरिवेटिव, जैसे डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विल बी इक्वल टू कोस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स विल बी साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट एक्स विल बी इक्वल टू सिकेंट स्केयर एक्स, एंड डेरिवेटिव ऑफ कोट एक्स विल बी माइनस कोसिकेंट स्केयर एक्स, डेरिवेटिव ऑफ सिकेंट एक्स विल बी सिकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, एंड डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट एक्स विल बी इक्वल टू माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स। ये इलेवंथ में हम कर चुके हैं छः के छः डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल्स, और अब भी हम कर सकते हैं किसी का भी निकालना चाहें तो, कि इसका डेरिवेटिव ये कैसे आ जाता है। फिर वही बात कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विल बी कोस एक्स ओनली वेन हेयर एंगल इज एक्स, यदि एक्स के अलावा कुछ और हो जाए तो फिर चेन रूल से उसका डेरिवेटिव भी साथ में आएगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स सभी में, डेरिवेटिव ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एक्स, और इसी प्रकार इनमें कि यदि साइन एक्स है तो डेरिवेटिव हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स विल बी कोस एक्स, लेकिन ये डेरिवेटिव साइन एक्स की बजाय मान लिया साइन टू एक्स है तो डेरिवेटिव विल बी, पहले तो यही रहेगा कि साइन एक्स डेरिवेटिव विल बी कोस एक्स और एंगल विल बी सेम दैट इज टू एक्स, लेकिन यहाँ कंप्लीट नहीं होगा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ द एंगल, तो डेरिवेटिव ऑफ टू एक्स, और टू एक्स का जो डेरिवेटिव है वो एक्स रेज टू पावर एन से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये दो सेट है हमारे या दो फॉर्मूले हैं, फर्स्ट है एल्जेब्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव और सेकंड है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव। तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी वो इन दोनों पे डिपेंडेंट है। इसके अलावा इलेवंथ में ही हमने किए हुए हैं रूल्स ऑफ डिफ्रेंशिएशन, देर आर थ्री रूल्स, फर्स्ट इज यू प्लस वी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस,
दो फंक्शंस का जोड़ हो या घटा हो और उनका डेरिवेटिव लेना हो तो इट विल बी इक्वल टू सम और डिफरेंस ऑफ देयर डेरिवेटिव्स। यानी कि अलग अलग डेरिवेटिव्स हो जाएंगे यदि दो फंक्शंस आपके एज सम दिए हुए हैं या एज डिफरेंस दिए हुए हैं तो दोनों के डेरिवेटिव सेपरेट हो जाएंगे। और सेकंड रूल है दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट रूल, डेरिवेटिव ऑफ यू एंड वी, वन फंक्शन इज यू अनदर इज वी, बोथ आर मल्टीप्लाइड विद ईच अदर, तो देन द डेरिवेटिव विल बी इक्वल टू यू इंटू डेरिवेटिव ऑफ वी प्लस वी इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू, कॉल्ड प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफ्रेंसिएशन, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफ्रेंसिएशन। प्रोडक्ट में ये करना है, एक रखना है दूसरे का डेरिवेटिव उसके साथ मल्टीप्लाई, क्योंकि बीच में प्लस है तो आप किसी को पहले कर लें किसी को बाद में कर लें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। और थर्ड कहलाता है कोशेंट रूल कि डेरिवेटिव ऑफ यू बाई वी विल बी इक्वल टू, वैसे तो ये प्रोडक्ट रूल सही हो जाता है, ऊपर से v को आप v रेज टू ए पावर माइनस वन करके ये लगा दें तो, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा नजर आएगा, तो क्या डेरिवेटिव होगा v स्केयर, स्केयर ऑफ द डिनोमिनेटर v एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ v कोशेंट रूल। यहां पर बीच में माइनस है तो यहाँ डिफरेंस रहेगा कि आगे कौन पीछे कौन, यहाँ नहीं रहेगा, आप v आगे रखें u पीछे रखें, लेकिन यहाँ v मतलब डिनोमिनेटर है वो आगे आएगा, उसके साथ जो न्यूमरेटर है ये फंक्शन आपका u, उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना है और माइनस फिर u एज इट इज। तो तीन ये रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, और ये कि एलजेब्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री का क्या, कि यदि आपको ये चीज़ें आती हैं तो आप एक्सरसाइज 5.2 बड़ा ईजिली कर सकते हैं। 5.2 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड डेरिवेटिव, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव है, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, क्वेश्चन फर्स्ट है, लेट वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो इसने नाम नहीं दिया, हमने इस फंक्शन को वाई लिए नाम दे दिया, आप एफ एक्स भी कह सकते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, तो डिफ्रेंशिएटिंग both sides with respect to x, तो इसको हम बोलेंगे dy by dx। तो यहां पर ये है sin x, sin x, तो हम सीधा करेंगे चेन रूल वगैरह तो वो काफी लंबा हो जाता है, सीधा करेंगे कि sin x derivative is cos x, तो आप इसको x पढ़ेंगे पूरे को, तो sin x derivative will be equal to cos x, देन डेरिवेटिव ऑफ x, अब इसका डेरिवेटिव और लेंगे, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस 5, ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि साइन x हमने इसको पढ़ा तो साइन का डेरिवेटिव cos x होता है, तो x यही रखना है, इंटू डेरिवेटिव ऑफ x, अब इसका क्या डेरिवेटिव आएगा, cos x स्क्वायर प्लस 5 इंटू, यहां पर ये सम ऑफ टू फंक्शंस है u प्लस v, ये u है ये v है, तो u का डेरिवेटिव अलग आ जाएगा v का अलग, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव x स्क्वायर पावर 2 हुई, तो 2 इंटू x रेज टू पावर 1, तो इसका तो डेरिवेटिव आएगा 2x, और 5 का डेरिवेटिव आएगा 0, 5 इज ए कॉन्स्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ कॉन्स्टेंट इज ऑलवेज 0, क्यों 0 है जी, तो दरअसल मान लिया ये फंक्शन है तो डेरिवेटिव होता है रेट ऑफ चेंज, मान लिया आप x पहले 2 रखते हैं फिर x की पावर x की जगह रखते हैं 2.5, पहले x की जगह रखते हैं 2 फिर रखते हैं 2.5, तो इसमें कितना चेंज आएगा, जब हमने 2 रखा तब और जब हमने 2.5 रखा तब, तो कोई चेंज आएगा इसमें, रेट ऑफ चेंज क्या हुआ, ये तो पहले भी 5 रहेगा जब आप 2 रखेंगे, क्योंकि वो तो यहाँ रखा जाएगा 2 × 2 = 4, और जब 2.5 रखोगे तब भी इसमें चेंज आएगा, 5 में तो कोई चेंज नहीं है, तो क्या रेट ऑफ चेंज हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ 5 विद रिस्पेक्ट टू x, नो चेंज, व्हाटएवर वैल्यू ऑफ x वी मे पुट इट इज ऑलवेज
फाइव, तो ये तो फाइव ही रहेगा। तो एक तो ये कह सकते हैं आप कि जो कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव यानी रेट ऑफ चेंज तो जीरो ही रहेगा क्योंकि दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। दूसरा आप यूं भी कह सकते हैं कि फाइव को आप फाइव इंटू एक्स रेज टू ए पावर जीरो लिख सकते हैं, यदि थोड़ा सा और यूं करना चाहें कि ये तो कई बार हमारे किसी के हो सकता है ये चीज काम आ जाए, तो फिर डेरिवेटिव क्या होगा कि पावर आगे आ जाएगी, तो जीरो जब आगे आएगा तो सारे को जीरो कर देगा। तो इस तरह से भी थोड़ा सा आप समझ सकते हैं। तो वैसे तो जो बेसिक तो क्या है कि फाइव इज ए कॉन्स्टेंट, इट डज नॉट चेंज विद चेंज इन एक्स, सो इट्स डेरिवेटिव विल बी जीरो। तो ये हमारा आंसर हुआ जी, क्या आंसर हुआ, टू एक्स तो ये और साथ में कोस ऑफ एक्स स्केयर प्लस फाइव, फर्स्ट क्वेश्चन था ये। तो सेकंड क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है ये, जल्दी जल्दी हम करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है कोस ऑफ साइन एक्स, लेट वाई इज इक्वल टू कोस ऑफ साइन एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स, डी वाई बाई डी एक्स विल बी। तो हम इसको कोस एक्स पढ़ेंगे, कोस एक्स, कोस एक्स डेरिवेटिव सामने लिखा हुआ है माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ ये, क्योंकि साथ ही आगे क्या लिखना है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स अभी लेना है। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स यहां पर है साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कोस एक्स, तो आंसर आएगा हमारा माइनस साइन ऑफ साइन एक्स इंटू साइन एक्स, या साइन एक्स आगे लिखते हैं आप, तो यानी कि माइनस साइन एक्स इंटू साइन ऑफ साइन एक्स। तो दो साइन है ये, यहां इस साइन के साथ कोई एक्स नहीं है, कहीं इसको इंडिपेंडेंट समझे, साइन ऑफ दिस यही एक्स है इसका, ये इंडिपेंडेंट है साइन एक्स। तो ये दूसरा था, थर्ड है साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी तो इसे आप साइन एक्स पढ़ें, डी वाई बाई डी एक्स विल बी साइन एक्स, डेरिवेटिव विल बी कोस एक्स, एंड देन डेरिवेटिव ऑफ एक्स, तो ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव अभी और लेना है। तो ये हुआ हमारा कोस ए एक्स प्लस बी, अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, ये सम ऑफ टू फंक्शंस है, एक फंक्शन है ए एक्स और एक है बी, बी में तो क्योंकि एक्स है नहीं तो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, तो ये तो कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव जीरो आएगा, और ए एक्स में जो एक्स है उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा वन, क्योंकि एक्स क्या है, एक्स मीन्स एक्स रेज टू पावर वन, और डेरिवेटिव क्या आएगा एक्स रेज टू पावर वन, कि ये वन आगे आके एक्स की पावर हो जाएगी जीरो, तो वन इंटू वन इज इक्वल टू वन। तो ओवरऑल जो आंसर आएगा, इधर ए बचेगा वो ए हम आगे लिख देते हैं, ए इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। तो ये थर्ड था, थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चन हमने किए, ऐसे ऐसे पांच छह दिए हुए हैं, तो एक आध जो है वो आप भी कोशिश कर सकते हैं। चलिए चौथा तो करेंगे, सिकेंट टेंजेंट अंडर रूट एक्स, वाई इज इक्वल टू सिकेंट टेंजेंट अंडर रूट एक्स। तो इसमें तीन डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हैं, क्योंकि फंक्शन ही तीन लिखे हुए हैं, सिकेंट टेंजेंट और ये अलजेब्रिक अंडर रूट एक्स। तो डेरिवेटिव हम चेन रूल से ना करके हम सीधा करेंगे, यहां से डेरिवेटिव करेंगे इसका, कैसे, हम इसको सिकेंट एक्स पढ़ेंगे, और सिकेंट एक्स का डेरिवेटिव सिकेंट एक्स टेंजेंट एक्स होता है, तो क्या डेरिवेटिव होगा, सिकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स, ये एक्स का काम करेगा दोनों में, क्योंकि हमने इसको एक्स माना है, हमने इसको पढ़ा है सिकेंट एक्स, तो ये एक्स हुआ, तो डेरिवेटिव होगा सिकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स। अब आएगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स, लिखा हुआ डेरिवेटिव ऑफ एक्स, और एक्स कितना है यहां पर, एक्स है टेंजेंट रूट एक्स। अब इसको रूट को भी छोड़िए, आप इसको टेंजेंट एक्स ही पढ़िए, तो क्या डेरिवेटिव होगा, ये तो आया ही हुआ है सिकेंट ऑफ टेंजेंट रूट एक्स, टेंजेंट रूट एक्स
इनटू क्या पढ़ें इसको, टेंजेंट एक्स, टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव सिकेंट स्केयर एक्स, तो क्या डेरिवेटिव हुआ इसका, सिकेंट स्केयर एक्स, एक्स जो भी है वही रखते चलें, ऊंचाई जो भी, जैसे यहाँ रूट एक्स हमने रूट एक्स रख दिया, यहाँ पर एक्स जो है वो टेंजेंट रूट एक्स था तो टेंजेंट रूट एक्स रख दिया। अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ ये, क्योंकि टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव सिकेंट स्केयर एक्स और फिर डेरिवेटिव ऑफ एक्स अभी और आएगा, यही चेंज चलती रहेगी। किसका डेरिवेटिव, टेंजेंट का हो गया तो वो तो हो गया सिकेंट स्केयर, तो अब रह गया आपका रूट एक्स। पहले डेरिवेटिव सिकेंट का आएगा, सिकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, फिर डेरिवेटिव टेंजेंट का आएगा सिकेंट स्केयर एक्स, लास्ट में फिर इस एक्स का आएगा। और देखिए क्या होगा, ये आप ऐसे ही रखेंगे, सिकेंट स्केयर एक्स से ही रखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या होगा, रूट एक्स मीन्स एक्स रेज टू पावर वन बाई टू, वन बाई टू। और जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो वन बाई टू आगे आके एक्स की पावर एक कम करते हैं तो ये माइनस वन बाई टू होगा, तो माइनस पावर नीचे लिखते हैं फिर, और माइनस वन बाई टू का मतलब आप उसको अंडर रूट में भी लिख सकते हैं, नीचे आके प्लस हो जाएगी पावर। तो कुल मिला के रूट एक्स का डेरिवेटिव वन बाई टू रूट एक्स होगा। कोई भी फंक्शन हो, कोई भी फंक्शन जो अंडर रूट में लिखा हुआ है उसका डेरिवेटिव क्या होगा, वन बाई टू अंडर रूट, नीचे आ जाएगा वो अंडर रूट में। कैसे आएगा ये हमने किया है कि पावर प्लस हाफ है, जब एक करेंगे तो माइनस हाफ होके वो नीचे आके प्लस हो जाएगी, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा वन बाई टू रूट एक्स। अब क्या है, आगे भी आप लिख सकते हैं रूट डेरिवेटिव ऑफ, अब किसका डेरिवेटिव लिया हमने, हमने लिया है एक्स रेज टू ए पावर, तो अंदर क्या है, अंदर है एक्स, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स वन आएगा, इसलिए हमने आगे नहीं लिखा इसको। तो पहले बताया था जब तक डेरिवेटिव ऑफ एक्स वन नहीं आ जाता ये चेंज चलती रहेगी। तो यहाँ आने के बाद यदि लिखना चाहें आप लिख दें डेरिवेटिव ऑफ एक्स, लेकिन वो वन आना है तो वो खैर। तो ये कुल मिला के इसका आंसर होगा, ये सारे नंबर आप आगे पीछे या आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है नंबर फोर्थ था ये, फिफ्थ में फिर जाके क्वेश्चंट रूल जो है वो आ जाता है जी। फिफ्थ क्वेश्चन है साइन ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई कोस सी एक्स प्लस डी, एंड क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ए एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस बी। तो ये जो फंक्शन अभी तक जो हम कर रहे थे वो सारे जो है वो अकेले फंक्शन थे, सीधा या साइन या कोस या टेंजेंट। अब ये एक फंक्शन ऊपर है एक नीचे है, तो ये आपका यू बाई वी की फॉर्म में हुआ, तो हम सीधा कोसेंट रूल लगा देते हैं। वैसे हर क्वेश्चन में आप लिखें डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, पता होना चाहिए कि हम के डेरिवेटिव कैसे ले रहे हैं। तो वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब कोशेंट रूल क्या बोलता है कि जो डिनोमिनेटर है उसका स्केयर, डिनोमिनेटर है यहाँ कोस सी एक्स प्लस डी, इसका स्केयर, और फिर क्या कहता है ये जो ये नीचे डिनोमिनेटर है वो ऐसे ही लिखो कोस सी एक्स प्लस डी, कोस सी एक्स प्लस डी, और इसके साथ डेरिवेटिव आ जाएगा न्यूमरेटर का साइन ए एक्स प्लस बी माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, और इसके साथ डेरिवेटिव आ जाएगा डिनोमिनेटर का यानी कोस सी एक्स प्लस डी। तो ये हमने कोशेंट रूल लिखा है कि इसका स्केयर ये एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ दिस माइनस ये एज इट इज न्यूमरेटर और डेरिवेटिव ऑफ दिस। अब ये डेरिवेटिव लेते हैं तो नीचे हमारा हो गया जी ये, तो इसमें बिना ब्रैकेट के भी लिख सकते हो आप इसको, हम ऐसे भी लिख सकते हैं कोस स्केयर सी एक्स प्लस डी, या ब्रैक लगा के एज इट इज भी लिख सकते हैं। तो कोस सी एक्स प्लस डी
इसके साथ मल्टीप्लाई करें साइन ऑफ दिस, इसका डेरिवेटिव। अब इसको साइन एक्स पढ़ें तो साइन एक्स का डेरिवेटिव तो कोस एक्स होगा, तो ये हो जाएगा कोस ए एक्स प्लस बी, अभी भी पूरा नहीं हुआ यू, इंटू डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी। ए एक्स प्लस बी यानी कि फिलहाल पहले डेरिवेटिव आया साइन का, साइन का डेरिवेटिव हुआ कोस, साथ में इसको हमने एक्स मानना है पूरे को। अब इसका डेरिवेटिव और लिखेंगे, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी ए एक्स प्लस बी साइन ए एक्स प्लस बी इंटू डेरिवेटिव इसके साथ कोस का मल्टीप्लाई करना है, और कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो ये हो जाएगा माइनस साइन और इसके साथ है सी एक्स प्लस डी, ये भी अभी पूरा नहीं हुआ, इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स का डेरिवेटिव और लेना है सी एक्स प्लस डी का, और कुल मिला के ये आपका हो जाएगा कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, तो ये हुआ कोस सी एक्स प्लस डी और कोस ए एक्स प्लस बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, दो फंक्शन है ए एक्स और बी, बीच में प्लस है तो बी का तो जीरो हो जाएगा और ए एक्स में एक्स का वन आके ये रह जाएगा ए, और माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, और ये माइनस यहां भी है तो ये माइनस हम यहां प्लस कर देते हैं इसको, माइनस साइन सी एक्स प्लस डी, और ये डेरिवेटिव ऑफ सी एक्स प्लस डी, डी का जीरो और सी एक्स का आ जाएगा आपका सी, एक्स का हो जाएगा वन क्योंकि दो फंक्शन थे ये बीच में प्लस है तो डी का अलग आएगा सी एक्स का अलग आएगा, और सी एक्स में एक्स का वन आके ये सी रह जाएगा, डी का हो जाएगा आपका जीरो। तो आगे ज्यादा ये बढ़ नहीं पाएगा, यदि ये सेम नंबर होता तो ये कॉमन आ जाता, और फिर कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी होके कोस ए माइनस बी लगा के इसको छोटा भी किया जा सकता था, पर फिलहाल तो ये छोटा नहीं हो पाएगा, कॉमन भी नहीं आ पाएगा कुछ। तो खैर, तो ये एक कोशेंट रूल का इसने दिया था सम, इसके बाद प्रोडक्ट का भी दिया हुआ है, प्रोडक्ट रूल सिक्स्थ है, उसमें दो फंक्शन है, क्वेश्चन नंबर सिक्स, कोस एक्स क्यूब वाई इज इक्वल टू कोस एक्स क्यूब इंटू फाइव साइन स्केयर एक्स फाइव, तो इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो एक फंक्शन ये है दूसरा ये है, और ये दोनों बीच में प्रोडक्ट है, यहाँ मल्टीप्लाइड विद ईच अदर हैं, तो इसका मतलब ये जो प्रोडक्ट रूल है ये लगाएंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई विल बी रिटन एज डी वाई बाई डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसमें क्या है कि एक फंक्शन ऐसे ही रखना है, तो हम पहला रख लेते हैं ये कोस एक्स क्यूब, इसके साथ मल्टीप्लाई किए करेंगे डेरिवेटिव ऑफ अनदर फंक्शन जो दूसरा है, दूसरा फंक्शन आपका, इसको आप यूं लिख सकते हैं साइन एक्स फाइव स्केयर, ये जो स्केयर है ऐसे भी लिखा जा सकता है, तो ये प्लस, अब जिसका डेरिवेटिव ले लिया वो एज इट इज लिखेंगे साइन स्केयर एक्स फाइव एज इट इज, इसके साथ डेरिवेटिव लिखेंगे यू का, यू मीन्स कोस एक्स क्यूब, कोस एक्स क्यूब, तो ये हमने प्रोडक्ट रूल लिखा है कि ये एज इट इज इसका डेरिवेटिव प्लस ये एज इट इज इसका डेरिवेटिव। अब ये डेरिवेटिव्स लेते हैं, कोस एक्स क्यूब इसका डेरिवेटिव कहां से चलेगा, कैसे होगा, साइन भी है पावर भी है एक्स फाइव, तो डेरिवेटिव हमेशा सबसे बाहर क्या है वहां से शुरू करेंगे, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे
हम इसको x की पावर, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर से ही शुरू करना पड़ेगा, अंदर तो सीधा नहीं जा पाएंगे हम, पहले तो ये स्केयर का अर्थ है, बाहर तो स्केयर है, तो इससे डेरिवेटिव स्टार्ट होगा। और वो कैसे होगा, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको अंदर वाले को हम x मान लेंगे कि x स्केयर है, तो x स्केयर का क्या डेरिवेटिव होगा कि पावर आगे आ जाएगी और पावर एक कम हो जाएगी, तो जो साइन x 5 है इसकी पावर हो जाएगी एक। फिर क्या है कि पावर आगे आ गई, एक पावर कम होगी, फिर डेरिवेटिव किसका लेना है, जो अंदर है उसका डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव ऑफ अंदर कितना है, साइन एक्स फाइव का डेरिवेटिव अभी हमें लेना है। ठीक, किसका डेरिवेटिव हुआ अभी, पावर का हुआ कि दो आगे आके एक पावर रह गई, ये एज इट इज लिखना है, और फिर इसका डेरिवेटिव अभी लेना है, प्लस आगे आइए साइन स्केयर एक्स फाइव एज इट इज लिखा हुआ है इंटू कोस एक्स क्यूब। अब इसमें कोई ऊपर पावर नहीं है तो हम यहां कोस से शुरू करेंगे इसको, कोस एक्स क्यूब, तो इसको आप कोस एक्स पढ़े, कोस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, मतलब माइनस साइन एक्स क्यूब, लेकिन अभी ये पूरा नहीं हुआ, अभी तो इसका डेरिवेटिव हुआ, साथ में डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब अभी आना है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब। ठीक, यानी किसका डेरिवेटिव हुआ है, कोस का, कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन एक्स क्या लिखा हुआ है कि जो भी है वो चलेगा एज इट इज, फिर उसका डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब, और ये हमारा हो जाएगा अब इज इक्वल टू, हाँ जी ये टू आगे लिख लेते हैं, टू कोस एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स फाइव, साइन एक्स फाइव इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स फाइव, तो इसको भी साइन एक्स पढ़े, साइन एक्स मीन साइन का डेरिवेटिव हो जाता है कोस, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ ये, अभी तो साइन का डेरिवेटिव हुआ कोस, अभी तो अंदर वाले का भी लेना है एक्स का, डेरिवेटिव ऑफ एक्स फाइव अभी और लेना है हमें, डेरिवेटिव ऑफ एक्स फाइव, तो प्लस, तो ये तो हुआ हमारा फर्स्ट पार्ट, इसका हाफ पार्ट जो है ये तो ऑलरेडी हो चुका था, हमें इसका डेरिवेटिव लेना था साइन का, तो साइन का डेरिवेटिव होता है कोस, एक्स फाइव एज इट इज आएगा और डेरिवेटिव ऑफ एक्स फाइव। आगे आए, एक तो ये माइनस है तो प्लस की बजाय ये माइनस हो जाएगा, माइनस साइन स्केयर एक्स फाइव, साइन स्केयर एक्स फाइव इंटू साइन एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव यहां से लेंगे एक्स क्यूब, तो थ्री आगे आके पावर दो रह जाएगी, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा थ्री एक्स स्केयर, थ्री एक्स स्केयर एक्स क्यूब का, बड़ा सिंपल। और फिर अभी भी पूरा डेरिवेटिव नहीं हुआ, और नेक्स्ट लाइन में आप क्या करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ एक्स फाइव कितना हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स फाइव में फाइव आगे आके पावर रह जाएगी फोर, तो डेरिवेटिव उसका हो जाएगा फाइव एक्स फोर, हम यहीं भी लिख सकते थे इसको, तो नहीं नेक्स्ट लाइन में कर लेंगे इसको, तो ये डेरिवेटिव वाला काम हमारा यहाँ आके पूरा हो जाता है। अब तो ये अलजेब्रिक फंक्शन क्या है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसको थोड़ा कॉमन वगैरह लेके आप यदि सिंप्लीफाई हो सकता हो तो कर सकते हैं, जैसे एक्स स्केयर दोनों में है तो एक्स स्केयर कॉमन आ जाएगा दोनों का, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक फंक्शन है और यहाँ से यहाँ ये एक है, तो यहाँ पर है एक्स फोर, यहाँ है एक्स स्केयर, तो एक्स स्केयर दोनों में से कॉमन आ सकता है, और कोस एक्स क्यूब यहाँ भी है तो कोस इसमें नहीं है, साइन एक्स फाइव यहाँ है तो साइन एक्स फाइव कॉमन ले सकते हैं हम, साइन एक्स रेज टू ए पावर फाइव कॉमन लेके अंदर आपका बच जाएगा इधर ये टू कोस एक्स क्यूब, साइन एक्स फाइव कॉमन चला गया, कोस एक्स फाइव इंटू ये फाइव भी है तो फाइव इंटू टू तो ये टेन हो जाएगा, टेन फाइव इंटू टू टेन, माइनस साइन स्केयर है ये तो एक बाहर चला गया तो एक साइन एक्स फाइव इधर रह जाएगा आपका,
और इंटू साइन एक्स क्यूब, और साथ में ये थ्री भी है, थ्री हम आगे लिख देते हैं साइन एक्स क्यूब कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी लग जाता है इसमें, यदि ये टेन और माइनस थ्री ना होते तो। खैर अभी तो ये आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ये था हमारा एक प्रोडक्ट रूल का सम इसमें, कि जिसमें प्रोडक्ट जो है वो इन्वॉल्व था। बाकी सातवां आठवां जो है वो इजी हैं। सातवां कर लेते हैं, एक लाइन का सम है वो, सातवां है टू अंडर रूट कोट एक्स स्क्वायर कोट एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव लेना है। तो ये जो रूट है इसको आप पावर में लिख देंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा, इसको रेज टू पावर वन बाई टू कर देंगे तो डी वाई बाई डी एक्स विल बी टू इंटू अंडर रूट का हमने आज ही अभी अभी लिया था कि जब भी किसी फंक्शन पे अंडर रूट हो तो उसका डेरिवेटिव होगा वन बाई टू अंडर रूट, नीचे आ जाएगा वो। और फिर डेरिवेटिव ऑफ, ये जो डेरिवेटिव आया ये अंडर रूट का इस पावर का आया है, तो डेरिवेटिव किसका लेना अभी कोट एक्स स्क्वायर का भी लेना है। ये जो डेरिवेटिव आया हमारा ये आया है पावर का, ये जो पावर वन बाई टू है तो वो वन बाई टू पावर आगे आ गई, और फिर एक सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस वन बाई टू, मतलब वो नीचे आ जाएगा सेम फंक्शन। और अब डेरिवेटिव ऑफ कोट एक्स स्क्वायर कर लें तो टू से तो टू कैंसिल ही हो गया, वन बाई अंडर रूट स्क्वायर। अब इसको कोट एक्स पढ़े, कोट एक्स का होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, और ये तो एक्स तो नहीं है तो इसलिए इसका डेरिवेटिव भी लेंगे, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। किसका डेरिवेटिव, कोट का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर, साथ में एक्स एज इट इज लिखें और फिर इस एक्स का भी लें, तो लास्ट में जो डेरिवेटिव है डी वाई बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट कोट एक्स स्क्वायर। और अभी डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का बचता है और वो कितना आएगा, पावर से टू आगे आके पावर एक रह जाएगी, तो इसका डेरिवेटिव होगा टू एक्स। तो आप इसको यहाँ छोड़ सकते हैं, वैसे इसको चेंज करना चाहें तो साइन कोस में भी करके चेंज कर सकते हैं, जैसे कोसिकेंट स्क्वायर होता है वन बाई साइन स्क्वायर, तो इसको आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर, एंगल यही लिखते चलेंगे। और ये जो अंडर रूट कोट एक्स स्क्वायर लिखा हुआ इसको हम लिख सकते हैं साइन कोस बाई साइन, कोट जो है वो कोस बाई साइन होता है, तो इसको आप लिख सकते हैं कोस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर, और ये टू एक्स तो है ही, इंटू टू एक्स ये लिखा हो। साइन स्क्वायर में से ये पावर आप हाफ कम कर दें तो ये थ्री बाई टू रह जाएगी, तो इसको कैंसिल करके ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस टू एक्स बाई, ये जो साइन एक्स स्क्वायर की पावर है वो कितनी रह जाएगी, ये दो में से ये हाफ कम कर देंगे तो ये रह जाएगी आपकी थ्री बाई टू, और ये कोस की पावर तो हाफ है ही, अंडर रूट में लिख दें या पावर में लिख दें कोस एक्स स्क्वायर रेज टू ए पावर हाफ या अंडर रूट। तो ये आपका सेवंथ क्वेश्चन था, एट कर लेंगे। तो अभी थोड़ा सा हम बात करेंगे, एक क्वेश्चन है इसमें कि नाइन्थ क्वेश्चन कि दैट इज नॉट डिफरेंशिएबल वाई, फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन मॉडुलस, एक्स इज एनी रियल नंबर, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू वन, कि इसका जो डेरिवेटिव है वन पे एग्जिस्ट नहीं करता, बाकी तो डिफरेंशिएबल है वैसे तो ये फंक्शन है एक्सेप्ट एट एक्स इज इक्वल टू वन पे नहीं है, तो वो क्या होगा थोड़ा यदि इलेवेंथ का याद हो आपके, तो एक लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला जाता है एक राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला जाता है, यदि ये दोनों इक्वल हो ओनली देन वी से दैट द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट।
तो ये हम डिस्कस करते हैं एट एक्स इज इक्वल टू वन। एल एच बी की डेफिनेशन होती है लिमिट एच गोज टू जीरो माइनस वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट से, यहाँ हमारा वन है, वन पे डिफ्रेंशिएबिलिटी दिखनी है तो आप इसको वन माइनस एच कर लेंगे, माइनस एफ वन डिवाइडेड बाई एच, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहलाएगा। एच गोज टू जीरो माइनस, और जहाँ जहाँ भी ये आपका, तो ये वन प्लस एच ही रख लें यहाँ तो, क्योंकि एच गोज टू जीरो माइनस लिख दिया हमने कि एच की वैल्यू यहाँ जीरो से मामूली कम है, मतलब नेगेटिव है, तो नेचुरली वो इसमें से सब्ट्रैक्ट ही होगी। और राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या लिखेंगे, लिमिट एच गोज टू जीरो प्लस लिखेंगे और ये सेम रहेगा वन प्लस एच माइनस एफ वन डिवाइडेड बाई एच, ये लिमिट निकालते हैं। यदि ये दोनों सेम आई तो ये डिफरेंशिएबल है, नहीं आई तो नॉट डिफरेंशिएबल। देखिए लिमिट एच गोज टू जीरो माइनस, इस फंक्शन की वैल्यू वन प्लस एच पे कितनी आएगी, वन प्लस एच माइनस वन, यहाँ वन प्लस एच कर दिया जी, और एफ वन कितना आएगा, वन माइनस वन यानी कि जीरो आएगा डिवाइडेड बाई एच, और ये कितना हुआ लिमिट एच गोज टू जीरो माइनस, तो ये वन से वन कैंसिल होके ये तो बचा एच मॉडुलस और नीचे बचा आपका एच, और जीरो माइनस का मतलब ये दोनों एच जो है वो नेगेटिव है, लेस देन जीरो है, स्लाइटली लेस देन जीरो, तो जीरो में से आप कितना भी कम कर देंगे तो नंबर नेगेटिव आएगा, मतलब ये जो एच है लेकिन ये ऊपर वाला एच तो पॉजिटिव हो जाएगा लेकिन नीचे वाला एच जो है वो नेगेटिव ही रहेगा क्योंकि इसमें तो मॉडुलस है, तो कितना आएगा एल एच डी माइनस वन, जबकि राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा सेम वे, लिमिट एच गोज टू जीरो प्लस, जीरो से थोड़ा फालतू, तो वन प्लस एच पे तो वही होगा कि वन प्लस एच माइनस वन, और उस पे जीरो आएगा एफ वन पे, वन माइनस वन जीरो और नीचे एच, वन से वन कैंसिल होगी तो क्या बचेगा, अब ये एच मॉडुलस और एच जो है वो जीरो प्लस, जीरो से ज्यादा है मतलब पॉजिटिव है, तो ऊपर भी एच नीचे भी एच, एच से एच कैंसिल होके, तो यहाँ आप लिमिट लिख सकते थे लिमिट एच गोज टू जीरो, फिर पॉजिटिव लिखें ना नेगेटिव लिखें तो गोज टू जीरो लिख सकते थे, या फिर सीधा ही माइनस वन, और इधर हो जाएगा आपका प्लस वन, दोनों बराबर नहीं है जी। एल एच डी इज नॉट इक्वल टू आर एच डी, सो दिस फंक्शन इज नॉट डिफ्रेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू वन। एक इसमें टेंथ क्वेश्चन भी है, वो हम पिछली एक्सरसाइज में कर चुके हैं, फंक्शन है टेंथ क्वेश्चन, टेंथ एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, और आपको चेक करना है, ये प्रूव करना है कि ये वन और टू पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये फंक्शन हम पीछे प्रूव कर चुके हैं कंटिन्यूटी में कि ये फंक्शन कंटिन्यूस ही नहीं है वन पे, और डिफरेंशिएबल तो कौन से फंक्शन होते हैं, विचार कंटिन्यूस, तो आप डिफरेंशिएबिलिटी छोड़िए, ज़्यादा जल्दी करना चाहते हैं इसकी कंटिन्यूटी चेक कर दें वन पे, वन पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग अलग आएंगी, सो नॉट कंटिन्यूस, इफ नॉट कंटिन्यूस देन ऑटोमेटिकली इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। इसी प्रकार दो पे आप कंटिन्यूटी चेक करके देखें इसकी, तो आप पाएंगे कि दो पे भी कंटिन्यूस नहीं है, और जब कंटिन्यूस नहीं है तो द फंक्शन कैन नॉट बी डिफरेंशिएबल। तो ये 5.2 एक्सरसाइज बड़ी सिंपल थी, ये स्टार्ट किया हमने आज डिफरेंशिएशन, तो कल इसको आगे जो है बढ़ाएंगे, कैरी ऑन करेंगे। धन्यवाद।